सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं तलहा तारिक व्लॉग की एक और वीडियो में, और आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो स्पेशल है लेकिन आपके लिए पता नहीं स्पेशल है या नहीं है। तो आज हम बजाय ऊपर जाके मिनी जू में आपको विजिट करवाने के, वो तो कल हमने करवा दिया था, तो आज हम अपने नीचे वाले परिंदों के साथ आपको मिलवाते हैं और उनको खुराक भी डालते हैं, उनको डाइट भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आप तक पहुँचाते हैं, आइए। जी दोस्तों, तो ये मेरे हाथ में क्या है, टोकरी है, लेकिन ये खाली टोकरी नहीं है। डैमी तुम्हें क्या हुआ? तो ये टोकरी नहीं है, टोकरी जो है खाली नहीं है, इसमें क्या है यही सीक्रेट हम रिवील करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बैड न्यूज भी बताते हैं, लेकिन बैड न्यूज से पहले पहले आपको सीक्रेट रिवील करते हैं। जी दोस्तों, तो ये मैंने टोकरी जो है ना वो रख दी है, तो इसमें देखें क्या है। अरे ये है हमारा पोपट। अरे पोपट तो बहुत मारता भी है, अभी लड़ता है। ये पोपट है, ये जो बच्चा है, ये जो हमारा पैरट का बच्चा है, ये हमारे अपने जो है ना वो शेड की पैदावार है। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि ऐसे ही 5 बच्चे थे ये, और उन 5 बच्चों में से आखिर 2 बचे थे। और कल जब मैं ऊपर गया हूँ तो मुझे इंतहाई अफसोस, इंतहाई जो है ना अफसोसनाक खबर ये मिली कि दूसरा जो इससे छोटे वाला बच्चा था उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे खुराक देना बंद कर दी थी। तो अब मैं इसको नीचे ले आया हूँ और इसको हम जो है ना हैंड फीड पे रखेंगे और इसको हम खुराक खिलाएंगे। अभी तक ये वाइल्ड है, थोड़ा सा काटी शाटी करता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। और इसको हम टेन भी करेंगे और इसको हम जो है ना वो फिर टॉकिंग पे भी लगाएंगे। तो अभी इसको खुराक खिलाते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे फूड खाता है। थोड़ा तंग करता है, थोड़ा सा अभी नटोला सा है, तो अभी इसको ले जाते हैं वहाँ और जाके इसको पहले फूड देते हैं। डर रहा है ना? पोपट ना डरो, देखो वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी, तुम्हें पता है उसे भूख लगी है, चोंच खोल रहा है अपनी। खोल रहा है? हाँ, असल में इसको भूख लगी हुई है, इसका पोटा बिल्कुल खाली है। कितना प्यारा है ये, प्यारा है लेकिन कितना कमजोर हो गया है ना। हाँ वो बहुत कमजोर हो गया है। जितने भी बच्चे होते हैं वो कमजोर ही होते हैं हमारे। तो शरारती बच्चे, अरे शरारती बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो ये तोते का बच्चा है, इसके काम चेक करो। अभी ये बहुत वीक है, ये देखो अभी खाएगा, हाथ से भी खाएगा। अरे खा लो यार, खा लो ना, ये खा लो। लेपर क्या कर रहा है ये? शरारते नहीं कर रहा, अभी डरा हुआ है, डरा हुआ है ना, हैंड फीड पे नहीं था तो इसके पेरेंट्स इसको खिला रहे थे। अच्छा, अभी इसको ना मैं इसमें डालती हूँ फीडर, इसका जो बनाया है हमने सिरिंज के जरिए, इसमें से नजदीक से तो ये एक सिरिंज जो है इसको खिलाते हैं। अभी इसको खिलाना भी इतना आसान नहीं है। अभी उई उई गुस्सा क्यों करता है ये देखें। इसके ना लेफ्ट साइड से होती खुराक की नाली, इसको मुंह में नहीं डालना, पहले गलतियाँ हुई, आगे पोटे में डालनी है खुराक। ये देखें पोटे में जाना शुरू हो गई, नीचे देखें अभी ये जा रही है ना पोटे में, वो पोटा फूल रहा है। तो ये पोटे में खुराक डाल दी जाए तो फिर ये सही हो जाता है। ये भी कम खाता है। जी पोपट ने खा लिया खाना, इसकी जो है ना पोटा फुल हो गया है। देखो ये वाला अब पोपट का पोटा फुल है, ये काटी करता है, अब और नहीं खाएगा। तो अब इसको हम बिठाते हैं और उनके लिए ना थोड़ा सा वो ले आओ, बादाम ले आओ उनको डालें।
पोपट ने तो खाना खा गया, मैं खाऊंगा खाना। पोपट वाला खाना खाओगे? हाँ, चपाती और सालन खाऊंगा। चपाती और सालन खाओगे? चलो जी, इसका इसको बिठाते हैं वहां पे। इतना सोड़ा हो गया, इसमें इसको रखते हैं और फिलहाल इसको भी रखते हैं। हमारा सरप्राइज तो मिल गया आप लोगों को। खटना बता दूं कि जब भी आप फीड करवाएं, कोशिश करें वो नरम वाली जो है ना वो आगे लगाएं, ट्यूब सी ये जो बॉटल होती है ना ड्रिप्स वगैरह उनकी जो वो सेटअप है उससे भी निकल जाती है और फीडर भी मिल जाता है, और इसको अंदर से गुजार के पोटे में डालें। अगर आप मुंह में डालेंगे तो मुझसे ना गलती ऐसी हुई है, बर्ड्स जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि उनकी सांस वाली नाली में जब खुराक चली जाती है तो फिर काम खराब हो जाता है। तो इस तरह अपने जो है ना वो परिंदों का और उनके बच्चों का ख्याल रखें, जब भी उनको फीड दें उनके पोटे में खुराक जानी चाहिए नाली को अंदर, और ये नरम वाली नाली, वरना वो अगर सख्त वाली आप यूज़ करेंगे तो उससे उनके अंदर जो है ना वो ज़ख्म हो जाएंगे। तो ये आपने केयर करनी है अपने छोटे बच्चों की, परिंदों की। ये ना ऊपर बिठाते हैं। अरे किधर उड़ रहा है? अरे बच्चे इधर है, इधर। ये है हमारा टेंगो साहब, ये बोलता भी है, इसको बुलाना जरा। मिट्ठू बोलो, मिट्ठू हिलाओ थोड़ा, मिट्ठू हिलाओ हिलाओ। मिट्ठू टॉकिंग करना शुरू कर देता है। थोड़ा और हिलाओ हाथ, फिर और बोलेगा। थोड़ा और हाथ हिलाओ इसके सामने, इसको गुस्सा दिलाओ। इतना नहीं, तेजी से हिलाओ थोड़ा। इसको अंदर 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 डालो, इसको चूस करवाऊंगा आज मैं जी। इनको इनको डाल दें, खिला दो, इधर से खिला दो ना सामने से। चलो अब उसको डैमी को भी खिला दो। दोस्तों हम खुराक ऊपर डालने जा रहे हैं, आप लोगों को ये तो पता ही है हम कैसे खुराक डालते हैं ऊपर। तो आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।